क्या हो गया? आज मैं बना रही हूँ। क्या ही होगा। मैंने हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दिन के 12 बजे से। आज हम लोग कुछ स्पेशल चीज़ बना रहे हैं। चलो फिर चलते हैं किचन में। बट आज मैं ही बना रही हूँ, मेरी मम्मी नहीं बना रही। काफ़ी फ्रेंड्स वो मेरे देखते मेरे वीडियोज़, तो वो मुझे बोलते मानसी तू हमेशा मम्मी बनाती, तेरी हमेशा तेरी मम्मी, आज तू क्यों नहीं बनाती। चलो आज मैं उन्हीं की डिमांड में कुछ बना रही हूँ। अब देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। चलो चलते। और मेरी स्वेटर और ये पेंट सेम लग रहा है, मेरे को हंसी आ रही है। चलो चलते हैं। उर्वशी भी है, खराब बनी ना वो चीज़। तो उर्वशी तो भाई टिक्की वाले ब्लॉक में आप लोगों ने देख ही दिया होगा, उर्वशी ने मेरे को बनानी नहीं टिक्की। नहीं नहीं बल मम्मी बनाएगी, तो मैं गेट बंद कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर की तरफ आज बिल्ली घूम रही है, इसलिए। चलो हो गया गेट बंद। चलो अब चलते हैं किचन में। है मम्मी तो पहले से ही है किचन में, तो मैं भी जा रही हूँ। तो मम्मी शायद से चली गई। चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ जो मेरे को बनाना है। मतलब मम्मी भी आ गई। मम्मी तो वीडियो बनाना, ठीक है? ठीक है। ठीक है। तो आज हम क्या बना रहे हैं? स्पंज वाले रसगुल्लों से रसमलाई, रसमलाई, जो स्पंज वाले रसगुल्ले होते हैं ये डिब्बे ये में। रहे डब्बे में, इसके आज मैं बनाऊंगी रसमलाई। और हम भी पहली बार ट्राई कर रहे हैं, मैं ही ट्राई कर रही हूँ। चलो फिर बनाते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे फुल क्रीम का यूज़ करा है। इसको हम लोग पहले अच्छे से उबालेंगे, तो मैं पैकेट फाड़ती हूँ, मम्मी वीडियो बनाएगी मेरी। तो फुल क्रीम का यहाँ पे यूज़ करें, दूध की पैकेट का। अभी फुल क्रीम वाले होते हैं उसको पहले अच्छे से कर देते हैं, क्योंकि अच्छे से होता है तभी इसका जो मलाई आती है बहुत अच्छी बन के आती है। तो पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, दोनों को कर देती हूँ। चलो बनाते हैं। ये हो चुका है अच्छे से, और फ्रिज में रखा हुआ बहुत ठंडा हो रखा है इसका पैकेट। देखिए मुझे कुछ किराना देवल। हम ये फर्स्ट ट्राई कर रहे हैं, पहली बार है ना मम्मी? अब हाँ देखते हैं कैसा बनता है, देखते हैं पास क्योंकि होते हैं कि फेल होते हैं उसमें। हम भी पहली बार ही ट्राई कर रहे हैं, हमको भी नहीं पता कि कैसा बनेगा। अच्छा बनता है कि अच्छा ही बनेगा, वैसे कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, नई चीज ट्राई कर रहे हैं हम लोग भी। ये अच्छे से हो गया है, दूसरा पैकेट करेंगे। और आज कोरदार का मौसम काफी ठीक है, मतलब आज धूप आ रही है। धूप आ रखी है, क्योंकि मौसम यहाँ ऐसे हो रहा है, 2 दिन कोहरा हो रहा है, 2 दिन धूप हो रही है, ऐसी में तबीयत खराब होती है। और ये आधे आधे किलो के दोनों पैकेट है फुल क्रीम के। आज सब लोग धूप सेक रखे हैं कोरदार में। हाँ आज कोरदार वाले अच्छे से घाम धूप तपना सेको, आज घाम घाम तपड़ा ची सब। चलो आप लोग इसको कर देंगे। तो ये आधे किलो, आज मतलब आधे आधे किलो के दो थे, इसको 1 किलो का करना है। 1 किलो का कर चुका है हम लोगों ने, इसको आधे किलो का करना है तब इसे बनेगी रसमलाई। तो अब इसको मैं अच्छे से घीटूंगी, तो मैं तेज आंच में कर दिया इसको। अब देखते हैं फिर कैसा बनता है। तो उसको तो टाइम लगेगा इसको खींचने में, तब तक हम लोग चलते हैं थोड़ा बाहर, इसको कम आंच में रख देंगे तो ये अपने आप खींचता रहेगा। तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी फिर ये कितना खींचा है। हम लोग चलते हैं थोड़ा बालकनी में, धूप सेकते हैं। 2-3 दिन बाद आज कोटद्वार में आज धूप आ रखी है, और इसको मैं देखती रहूंगी बीच बीच में, क्योंकि अभी ये खींच रहा है। और जो मैंने आज थी वो भी मैंने कम कर चुकी है। तो थोड़ा एक राउंड थोड़ा बाहर का घूम के आते हैं, फिर दोबारा से आ जाएंगे किचन में, क्योंकि आज मैं पहली बार कोई चीज़ बना रही हूँ। मतलब बनाती तो मैं हूँ, बट ये हम लोग पहली बार बना रहे घर में रसमलाई। अब देखते हैं कैसी बनती है। तो चलो थोड़ा बाहर घूम के आ जाते हैं, आप लोगों को भी मैं थोड़ी धूप घुमा धूप दिखा देती हूँ। यहाँ बहुत ही मस्त धूप आ रखी है आज कोटद्वार में, मस्त धूप आ चुकी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए आप लोग कितना मस्त आ रखा है आज का व्यू, बहुत अच्छा लग रहा है। दादी बोरी वहाँ बैठ रखी है पड़ोसियों के यहाँ, मस्त गप्पे मारी मेरी दादी। और यहाँ पे धूप इतनी तेज आ रखी है आज, बहुत अच्छा लग रहा है आज मौसम। और मम्मी और उर्वशी येरी किस में फोटो खींच रही हूँ। ओहो यहाँ पे उर्वशी अपना फोटो शूट कर रही है, मम्मी भी आ गई हैं धूप सेकने के लिए। मस्त कैरिक ये लेके आए हम अभी 1-2 दिन पहले, तो यहाँ पे मम्मी ने इसको धो रखा है।
काफ़ी टाइम से चाहिए था, तो हम लोग मार्केट कम जाते, आज सीधा गए मार्केट और इसको लेके आ गए। अच्छा लग रहा है ना, एकदम लाइट पर्पल कलर का लेके, पिंक कलर का लेके आ रखे, दिख पर्पल रहा है फोटो में। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे थोड़ा पिंक पिंक सा दिख रहा है। चलो चलते हैं, मैं आप लोगों को हमारे घर का ये दिखाती हूँ, फ्लावर्स वगैरह जो हम लोगों ने बालकनी में लगा रखे हैं। ये देखिए ये सारे डेकोरेट वाले हैं, ये देखिए सारे डेकोरेट। और इसकी लीव देखिए कितनी बड़ी लीव है, मेरे हाथ से भी बड़ी मुझे जितना लग रहा है। ये देखो मेरे हाथ से भी लंबी लीव है, डेकोरेट वाली होती है, इसमें प्लांट्स फ्लावर नहीं आते हैं, सिर्फ ये सजाता है। ये देखिए सारे सजाने वाले हैं, ये सब सजाने वाले हैं। मस्त मस्त लग रहा है। दोबारा से चलता है किचन में, धूप तो मैंने सेक ही दी है, बहुत सही लग रहा है आज। ठंडे ठंडे में ऐसा हो गई थी ना, घर में पैक हो रखे थे हम, कुछ ऐसा था कि बाहर भी नहीं जा पा रहे थे, तो आज कम से कम बालकनी में तो बैठ गए, मतलब बालकनी में भी नहीं बैठ पा रहे थे हम लोग, इतना ठंडा हो रखा था। चलो चलते हैं अब किचन में, देख के आते हैं। गई हूँ दोबारा से, अभी ये उबल रहा है, आज मैंने थोड़ी तेज कर दिया है। मम्मी आई थी, आई थिंक यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि गिरे ना, तो मैं यखी छो नहीं गिर, तो अभी उबल रहा है दूध हमारा। बहुत मज़ा आएगा, आज तो वैसे भी मीठा बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो मिले तो आज बहुत बेस्ट दिन है। और यहाँ पे बादाम रख रखा है, एक ही रख रखा है, चलो मैं ही खा लेती हूँ इसको। लो आप लोग भी आ जाओ, एक बादाम खा लो। मैं दूध को देख रही हूँ और अभी भी लाइट नहीं है यहाँ, यहाँ ऐसा हो रहा है कि सुबह के समय लाइट भाग जा रही है या तो दिन के समय लाइट भाग जा रही है, मतलब ऐसा है दिन भर में एक बार लाइट भाग ही रही है, क्योंकि हमारे घर के साइड ना कुछ पोल में कुछ काम चल रहा है, उसके चक्कर में यहाँ लाइट नहीं आ रही, मतलब दिन भर में एक बार आ जा रही है, या तो रात को आ रही है या तो सुबह आ रही है, यही दिक्कत हो रही है। तो वही है, मैंने आप लोगों को कहा था कि वीडियो ऐसी डलेगी मेरी, कभी आगे पीछे जलती रहेगी, मतलब कुछ दिनों की बात है, तो वो लोग भी कर ही रहे अपनी तरफ से सारा काम और हम लोग यहाँ खा ही रहे और हम लोग यही चीज़ें करते रहते हैं। और ठंड आने वाली है ना, ठंड वैसे तो आई गई है, बट हम लोगों का सीन ऐसा है, कभी हम कुछ बनाते रहते हैं, कभी कुछ बनाते रहते हैं, मतलब बनाती मैं भी हूँ, बट अभी तक मैंने अपने हाथों से कुछ नहीं बना रखा है ब्लॉग में, बनाऊंगी मैं भी, जल्दी बनाऊंगी। आज तो मैं बना ही रही हूँ पहली बार, मेरी मम्मी ने भी नहीं बनाई आज तक, और हमारी फैमिली में किसी ने नहीं बनाया सकी रस्म, नहीं मेरे हाथों से ही ये शुभारम्भ हो रहा है इस काम का, देखेंगे कैसा कैसा बनता है, खाने लायक भी बनता है कि नहीं बनता, मेरे को तो हंसी आ रही है। अभी ये अभी हो रहा है, अच्छे से उबालना है इसको, आप कोई सा भी इसमें दूध का यूज़ कर सकते हैं, हम लोगों ने फुल क्रीम का यहाँ पे यूज़ करा है, तो हो रहा है अभी तो। और दादी से तो मैंने आप लोगों को नहीं मिलाया दादी, क्योंकि पड़ोसियों के यहाँ जा रखे, दादी ने घर में भी क्या करना था, दादी बोर हो जाती तो दादी चली जाती है, तो अभी हो रहा है ये। और पापा जा रखे हैं मार्केट, तो पापा कर रही हूँ, क्या हो गया, आज मैं बना रही हूँ, क्या ही होगा। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि पता नहीं क्या बनेगा, उर्वशी भी ने बोल ही दिया, मिक्स कर दो चम्मच, हाँ इसको ले यहाँ पे करके रखिए, इसको मिक्स कर दे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे दिख रहा है। अच्छे से यहाँ पे उबल गया है, मलाई भी आ गई, क्योंकि हम लोगों ने फुल क्रीम का यूज करा था ना, किसी से भी दूध का होता है उबल के तो मलाई आ ही जाती है, थोड़ा आज कम कर देते हैं इसकी क्योंकि उबल गया है। मम्मी भी यहाँ पे उर्वशी आ चुकी है हेल्प करने के लिए, मिक्स कर रही है दूध को, क्योंकि दूध एकदम से उबल गया था। और मम्मी यहाँ पे काजू बादाम निकाल रही है, तो मैं इसको काट दूंगी क्योंकि आज मैं ही बना रही हूँ, बस इसको बस घुमाते रहना है, क्या हो जाएगा उर्वशी बोरी, घुमा घुमा के बल हाथ दर्द हो जाएगा, कोई नहीं मैं घुमा दूंगी, तो आज इसकी ज़्यादा तेज मत करना, नहीं तो एकदम से ही उबल जा रहा है। ये देखिए आप लोग, उर्वशी तो तब खाने के नाम से तो कुछ, पहली बार उर्वशी यहाँ पे काम करने के लिए आ गई है, नहीं तो सीधा खाने के लिए आती है ना उर्वशी। हाँ। कैसे लगता है तब तेरे को मीठा? अच्छा लगता है, तीखा नहीं लगता मुझे। अच्छा हाँ ठीक है, तो तब ये रहे काजू बादाम, तो मैं इनको काट लेती हूँ। यहाँ पे उबल रहा है, उर्वशी चली गई, उसने बोला मैं नहीं कर रही, वो थक गई, तो मैंने यहीं पर ही काट रही हूँ मैं काजू बादाम, क्योंकि देखना भी है साथ में कि कहीं दूध गिर ना जाए, वैसे तो आज कम कर रखी है बट इसको मिक्स भी करना है ना बीच बीच में, तो तब मैं यहीं पर ही आ गई, तो मम्मी ने कहा आज तू ही बनाएगी तो मैं मदद नहीं करूँगी, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो आज मैं बना रही हूँ। चलो काजू बादाम काट लेते हैं,
और इसको भी बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे। और अभी ये थोड़ा सा उबल गया है, लाइट भी आ चुकी है, मैंने आप लोगों को कहा था लाइट वालों ने मेरी सुन दी, उन्होंने लाइट दे दी है क्योंकि मेरे फेस में एकदम से लाइट चमकी ना, क्योंकि साइड का बल्ब लाइट वाले, बाकी तो एक इन्वर्टर का है हमारा बल्ब, तो उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों से, तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग मेरे को ऐसी कमेंट्स करें क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। और हम लोग ज़्यादा खाने की रेसिपी डाल रहे, आप लोग भी बोल रहे आजकल खाने की चीज़ें डाल रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे घूमने के लिए, तो हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आजकल बहुत ठंड भी हो रही है यहाँ कोटद्वार में, तो फिर कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा है। और फिर हम लोग खाने की चीज़ें पहले से ही बहुत सारी चीज़ें बनाते रहते हैं, तो फिर ब्लॉग में भी मैं यही चीज़ें डालती हूँ। अगर मैं कहीं जाऊँगी घूमने के लिए तो मैं वहाँ का ब्लॉग भी डालूंगी, आप टेंशन मत लेना। क्योंकि मेरे साथ वाले भी बोलते हैं मतलब तू खाने का ही डाल दी, कहीं घूमने चले जाएगा ना, तो मैं बोलती हूँ अरे कहाँ जाना है आजकल ठंड भी है, तो तब मन नहीं करता, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, ठंड गर्म हो जाता है। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं जब जाऊँगी तो मैं ब्लॉग बना दूँगी। तो फिलहाल तो आप लोगों को मेरे खाने के ब्लॉग देखने पड़ेंगे, खाने के ब्लॉग ये सही है कि इसी बहाने था मैं भी कुछ बनाती रहूँगी, तो मैं भी सीखती रहूँगी, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी कि आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ये बनाया, और फिर मम्मी भी खुश, चल यार मेरी बेटी ने कुछ तो बनाया, तब खाने के ब्लॉग इसलिए ज़्यादा बन रहे हैं। तो फिलहाल देखते हैं मैं कब जाती हूँ घूमने के लिए, जल्दी जाऊँगी जहाँ भी जाऊँगी तो मैं आप लेके आऊँगी मैं आप लोगों के लिए एकदम नया ब्लॉग। अब कुछ दिनों के बाद उर्वशी की भी स्कूल खुल जाएगी, उसकी ठंडियों की छुट्टियाँ पड़ रखी ना आजकल, तब उर्वशी का स्कूल तब बनाऊंगी मैं। अब तब एक दो महीने बाद तो फिर गर्मी स्टार्ट हो ही जाएगी, तब तो घूमूंगी मैं जहाँ भी घूमूंगी, तो ब्लॉग बनाती रहूँगी मैं आप लोगों के लिए। मैंने आप लोगों के साथ बातें करते करते यहाँ पे काजू बादाम काट दिए, मैं आप लोगों को दिखा, ज़्यादा बारीक भी नहीं काटे मैंने क्योंकि फिर वो एकदम पता नहीं चलते खाते समय ना, वो मिक्स हो जाते, मतलब इसको ऐसे काटने ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, ठीक ठाक काटने मीडियम। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे काट के चुके हैं काजू बादाम, मैंने ज़्यादा पतले भी नहीं काटे क्योंकि फिर टेस्ट में मज़ा नहीं आता है ना, तो थोड़े वो करे मैंने मीडियम, ना ज़्यादा पतले ना ज़्यादा मोटे। और अब हम लोग इसको करेंगे मिक्स, अब हम लोग करेंगे इसको मिक्स, इसकी मलाई बन, देखिए मलाई, देखिए इसकी मलाई बन चुकी है इसकी। मम्मी ने कहा कि उस दिन मैंने टिक्की बनाई थी तूने नहीं करी, तूने क्यों नहीं बनाई, मैंने कहा रोशनी ने मना कर दिया था, तो चलो मैंने कहा मैं एक इसको बना लेती हूँ मैं, मम्मी ने कहा ठीक है नई चीज़ है आनी भी चाहिए, तो उसको मैं साथ सामने मिक्स भी करूँ। आज मैंने कम कर रखी है क्योंकि तेज करके ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जा रही है, तब एकदम से कम नहीं हो रही है, मिक्स करते रहना है। और इसको मैं मिक्स कर दूँ, और हम ना मीठा, आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग मीठा बहुत ज़्यादा खाते, हम लोगों ने लड्डू बनाए थे, हमने रात को बनाए थे, सुबह तक वो दो तीन ही लड्डू बचे, कुछ बचे ही नहीं। हम लोग बहुत मीठा खाते हैं, मैं और मम्मी और पापा बहुत ज़्यादा खाते, दिशी तो फिर भी थोड़ा बहुत स्पाइसी खा देती है, उर्वशी तो सभी कुछ खा लेती है, दादी को तो शुगर है तो दादी मीठा कम ही खाती है। हम लोग बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ, मेरे मुँह पर भाप आ रही है इधर की तरफ कर देती हूँ मैं कैमरा। इसको यहाँ पे मिक्स ही कर रही हूँ समय से कम इसको आधा घंटा लगा हूँ मिक्स करने में, मैंने स्वेटर निकाली क्योंकि मेरे को गर्म हो गई थी, और मम्मी भी आ चुकी है यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना हुआ है, एक किलो का आधा किलो रह चुका है कि उससे कम रह चुका है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आधे किलो से भी बहुत ज़्यादा कम रह चुका है, आप लोग देख सकते हैं एक किलो किया था, हाँ इसका कलर भी चेंज हो गया, उबाल उबाल के बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है, अब ये जैसे दूध होता है वैसा नहीं है, एकदम मोटा हो गया इसको, क्योंकि काफ़ी देर तक हम लोगों ने आधे घंटे तक इसको उबाल रखा है। ये मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ, ये देख लीजिए आप लोग कितना मोटा हो चुका है, ये हो रहा है, और इसको हम लोग अब कूटेंगे, और हमारा दिन का खाना भी यहाँ पर रेडी हो रहा है, तब तक हम इसको कूट लेते हैं। और मैं
दोनों बच गए एक। वो खाना भी हो चुका है हमारा रेडी, अब खाएंगे थोड़ी देर के बाद, बट आज हम फिलहाल यही बना रहे हैं। तो ये हो चुका है, बहुत मस्त खुशबू डाल देते हैं। खाली हो चुका है अभी ये देखो आप लोग कैसे फूल रखा है, ये बैलून की तरह फूल रखा है एकदम। हाँ थोड़ा इसमें हम लोग कलर डालेंगे क्योंकि हम लोग बना रहे हैं रसमलाई, इसमें कलर डाल रहे हैं हम, इसमें येलो कलर डाल रहे हैं। वैसे तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं आप, कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, जो आपकी मन करे आप डाल सकते हैं, बट हम लोग सिर्फ कलर डाल रहे हैं। ये मिक्स हो सकता है, वैसे तो इसमें केसर भी पड़ता है, बट हमारे यहाँ कुछ नहीं था तो कलर ही ठीक करा हम लोगों ने यूज। हमारे पास डिब्बा, बट वो खत्म हो गया था हमारा, ये रहा, तो हमने इसी का यूज करा, ये वाला, ये रहा कलर का, ये था, ये डाला हम लोगों ने, केसर वगैरह कुछ नहीं डाला। और यहाँ पे मम्मी अब यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ गई है मेरी, ये रसगुल्ले डालने हैं इसमें, तो मम्मी एकदम इसका तब इसका बनेगा रसमलाई भी। मम्मी इसका जो रस है वो निकाल रही है क्योंकि मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। ये देखो आप लोग कितना आधा हो चुका है, ये आधे किलो से भी कम हो गया अब इसको उबाल उबाल के। ये देखो एकदम मस्त टेस्टी लग रहा है, इससे अच्छा टेस्टी अब बनेगा जब ये रसमलाई बनेगी। इसमें डाल दे, सारे डाल दो मम्मी, सब डाल तो हम लोग इसमें सब डाल देंगे। ये देखो अब फिर इसको कर देना है मिक्स, तो इसमें मीठा डाल देंगे, इसी को चासी को डाल, चासी को डाल देंगे, ज्यादा मीठा नहीं करना। हाँ ज्यादा मीठा नहीं करना है, आप लोगों ने सुन दिया होगा। सो हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से कि चीनी आपस में इसकी मिक्स हो जाए, इसकी चाशनी अच्छे से मिक्स होने देना है। 15-20 मिनट के लिए रख रहे हैं। हाँ तो ये 15-20 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दोबारा से दिखाऊंगी। चलो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा धूप में, और यहाँ पे मम्मी अब खाने की तैयारी कर रही है, चलते हैं धूप में। दादी आप आ गए, दादी पड़ोस में जा रखी थी, आप लोगों को मैंने दिखाया था ना बालकनी से। चलो अब आप लोगों को मैं दिशी और दादी से मिलाती हूँ। तो आज धूप तो आ गई कोटद्वार में, हाँ बहुत ही अच्छी धूप है। और ये रही दिशी, दिशी दिशी मस्त करके बैठ गई बालकनी में। आज तो कभी तो ऐसा है कि मौसम चेंज हो जा रहा है, ठंड हो जा रही है, और कभी एकदम से धूप। आज तो लाइट भी आ गई। दादी क्या कर रहे हो? दादी यहाँ पे लहसुन सील रही है। लहसुन सील रही हूँ। हाँ ये रही लहसुन दादी, टाइम पास कर रही है यहाँ पे। दादी ने कहा क्या करूँ क्या करूँ, तो दादी यहाँ पे लहसुन ही छीनने लग गई। हाँ क्या रसमलाई अभी? हाँ थोड़ी देर के बाद, 15-20 मिनट के बाद, तो अभी रख रखी है ना। हम लोग खाएंगे मस्त रसमलाई, पहली बार ट्राई कर रहे हैं हम लोग, बना मैं ही रही हूँ, बट अभी रख रखा है उसको 20 मिनट के लिए, तब थोड़ी देर के बाद बताऊंगी मैं आप लोगों को कैसा बना है और कैसा खाने में कैसा लग रहा है होममेड रसमलाई। हो चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ दोबारा से किचन में। चलो फिर चलते हैं। और ऋषि और दिशा अंदर है, लाइट खोल देते हैं। खोल दी, मेरा चेहरा चमक गया। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखते हैं। वाओ कितना टेस्टी है ये, कितना सुंदर लगन हो चु। ये देखो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। उर्वशी आ गई, आ गई खाने के लिए। तो उर्वशी सबसे पहले आती है, तो एक काम कर इसको ना कटोरी में रख दे, या तो मैं रखूं, मैं रखती हूँ। टेस्टी लग रहा है ये, मस्त घर में पहली बार बनाया, वो भी बहुत अच्छा बना है। ये देखो आप लोग, लालच आ रहा है इसको देख के तो। ये डालेंगे इसमें यहाँ पे काजू बादाम, ये देख लीजिए आप लोग कितना टेस्टी बना रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत मेहनत लगी है इसमें हमारी, तो मम्मी वीडियो बना रही है, ये हमको ही पता है हम लोग कितना इसको घुमा रहे थे। पहली बार बनाया हम लोगों ने, काफी अच्छा बन रखा है। मेरे को तो नहीं लग रहा था कितना अच्छा बनेगा, बट काफी सही बन रखा है, दिखने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा ही होगा क्योंकि मीठी चीज तो अच्छी ही बनती है। ये दो आप लोग भी खा लीजिए,
हो रहा खाने में? बहुत ही अच्छा मस्त हो रही ना रसमलाई घर की। और यहाँ उर्वशी को देखो, उर्वशी कंड होने चे है, मजा आ गया। अच्छा चलो अब हम लोग चलते हैं किचन में, दिशी को देखते हैं दिशी क्या कर रही है। दिशी ये देख कितने टेस्टी लग रहा है ना। हाँ मैं इसकी फोटो खींच रही थी। और यहाँ पे दिशी फोटो खींच रही है मस्त करके। खा दिया तूने? अभी नहीं, खाने के बाद। खाने के बाद खाएगी? अच्छा ठीक है। जो स्पंज वाले रसगुल्ले आते हैं, हम लोगों ने उसकी रसमलाई बनाई है और पहली बार ट्राई करा है हम लोगों ने, और बहुत ही अच्छे बन रखे हैं, है ना मम्मी? कल लगो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब पक्का करें, सब्सक्राइब ठीक जरूर करें। बाय, आ जाओ रसमलाई खाना, आ जाओ, बाय।